गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है पंजाबी, और पंजाबी के अंदर हम आज अन्नदाता कविता का अशार पढ़ेंगे। ये आपको नोट करना है, इशार को आपको भी याद करना है, उसके जो सारे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी आपको याद करने हैं। तो आओ हम अन्नदाता कविता का अशार पढ़ते हैं। अन्नदाता कविता अमृता प्रतन भी लिखी हुई है। ये कविता जागीरदारी रुचि वाले मर्द दे काम भोक नाल संबंधित है। कवित्री स्पष्ट कहती है कि मर्द अते इस्त्री विचकार रिश्ता सहिज प्यार दा नहीं, सगों मालिक ते उसदे गुलाम कामी वाला है। इस कविता विच इस्त्री दा मालिक रूप पति अंधा दानी भी है, पर नाल ही वो काम प्यार दा भुक्का है। ये कविता बहुत जटिल है। इस कविता विच अन्न अते काम प्यार विचकार वटांदरे दी समस्या है। इस्त्री अते जागीरदारी रुचि वाले मालिक दा संबंध भी सीधा नहीं, बल्कि दोहां दे विचकार इस्त्री दा बाप है, वो अन्नदाता ते दान दा गुलाम है। इस कविता दी सुर बड़ी व्यंगात्मक है। इस्त्री अपने जागीरदारी उच्ची वाले मालिक रूप पति नूं संबोधन करती हुई कहती है कि वह उसका अन्नदाता है, वह उसका दिता अन्न खाती है, वह उसका लून खा के हराम नहीं कर सकती, उसका बाप उसका मोहताज, उसकी जेब उपर भी उसका ही ना सी, क्योंकि वह भी उस उपर ही निर्भर करता रहा है। उसके रूह जीन शरीर जिस विच भी उसका बाप का खून है, जो कि सारी उम्र उसके अशाना हेठ दबिया होया है। वह उस दियां वधीकियां विरुद्ध बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उसनू पता है कि वह उसका अन्नदाता है। जेकर वह उसकी कोई गल मन तो इनकार करेगी तो वह उसनू भुक्की मार सकता है। वह कुछ बोलना चाहती है, पर वह उसके दिते हुए अन्न दे कीड़े वांग है, ते उस दे बोल उदे दित्ते अंदे भार हेठ ही दबे रह गए हैं। उसके कामे माँ बाप ने उस कामा ही पैदा किया है। कामे का कम है सिर्फ कम करना, बाकी सारे काम भी तो कम ही करते हैं। मजदूरी करके अन्न प्राप्त करना उन्हों का कम है, अते वो उसके अंधे ईशान हेठ दबी होने करके उसकी काम तृप्ति का कम करने लई मजबूर है। वह उसका अन्नदाता है, तो वह पत्नी उस लई चमदी गुड्डी है, उस नाल रज के खेड़ दे, वो वर्तन की चीज़ है, वह जिवें जी करता है उसनू वर्त सकता है, क्योंकि वह कोई इनकार कर ही नहीं सकती। वह उस लई चक्की विच पीसी गई है, तो वैली गई है। वह अज जिवें चावे उसनू निगल लावे, तो उस लई बुरकी तो वधेरे कुछ नहीं है। वह तो काम दी अग विच पिघलन वाला लावे है, वह उसके कदमों विच उसके काम पूर्ति लई हाजिर है। वह उसनू अपनी काम अग नूं ठंडी करन लई अपनियां बादवां विच कुट लवे, जिन्ना जी करता है चम उसनू लवे, तो वह उसके पासों उसका कुछ बच जाए तो वह उसनू बेशक वेच वट लवे। वह उसदे एक बार ही इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके अन्नदाता है। पर एक गल जरूर है कि वह उस स्त्री नू सच्चा प्यार करना नहीं जानता, उसनू सिर्फ काम पूर्ति का एक साधन समझता है, तो सच्चा प्यार उसके मतलब दी चीज़ नहीं है। तो यह था इसका सार, ये आपको लिखना है और इसको याद करना है। धन्यवाद।